नमस्कार, मैं हूँ रेनू भाटिया। आज की खास और बड़ी खबरों के लिए आपका स्वागत है न्यूज हब भारत में। डीआईजी कानपुर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह द्वारा अपराधियों और अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक पश्चिम एवं क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज के नेतृत्व में ग्वालटोली थाना प्रभारी और थाने की फोर्स के साथ टेफको चौराहे के पास से 12/471 चर्च रोड ग्वालटोली कानपुर नगर निवासी 22 वर्षीय सैफ अली को 965 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसके संबंध में थाना ग्वालटोली में मुकदमा संख्या 502/2020 धारा 18/20 NDPS एक्ट पंजीकृत किया है। इस मामले पर क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि देर रात मुखबिर की सूचना पर थाना ग्वालटोली क्षेत्र निवासी सैफ अली को 965 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसको आवश्यक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। ग्वालटोली टेफको चौराहे पर पुलिस चेकिंग कर रही थी, एक संदिग्ध व्यक्ति मिला सैफ नाम का, जिसमें तलाशी ली गई, उसके पास से करीब एक चरस बरामद की गई है। आगे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, अभी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ हम लोग ये भी चरस और किन किन लोगों को बेचा जा रहा है, उसके भी जो भी अभियुक्त या जो भी व्यक्ति उसमें आएंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की। कानपुर से सोनू वर्मा के साथ अमन शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।